बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुतहिदा अरब अमारात का शाही ख़ानदान तलौर के शिकार के लिए पंजगौर पहुँच गया। अब इस खबर की तफसील। मुतहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान के 11 अफराद तलौर के शिकार के लिए मकरान डिवीजन के इलाके पंजगौर पहुंच गए हैं। निजी टीवी के मुताबिक सरकारी ज़राए का कहना है कि यूएई के शाही ख़ानदान के मज़कूरा अफराद खसूसी त्यारे के ज़रिए पंजगौर एयरपोर्ट पहुंचे। मज़कूरा वफ्द की सरबराही शेख खलीफा सैफ अल नहयान और सुल्तान सईद अहमद ने की। बाद अजां उन्हें सख्त सिक्योरिटी में बाजरिया रोड पेरी झलक में उनके महल पहुंचाया गया। इससे कबल एयरपोर्ट पर शाही वफ्द का इस्तकबाल पंजगौर के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रजाक सासोली कबायली अमायदीन हाजी अताउल्ला बलोच हाजी जाहिद हुसैन हाजी फारूक और सीनियर अस्करी और सिविलियन हुक्काम ने किया। ज़राए का कहना था कि शिकार के लिए आए वफ्द के पास शिकारी साजो सामान और शाहीन मौजूद हैं, जबकि वो वजारत खारजा की जानिब से जारी लाइसेंस के तहत पंजगौर में क्याम के दौरान तलौर का शिकार करेंगे। अमराती शाही ख़ानदान के अफराद जो इस परिंदे के शिकार के लिए पंजगौर आते रहते हैं, उन्होंने इस ज़िले में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे शुरू किए हैं, जिसमें पंजगौर के इलाके के मुस्तहक और पसमांदा लोगों के लिए पानी की फराहमी की स्कीम और सेहत की सहूलियात शामिल हैं। याद रहे कि इससे कबल दिसंबर के महीने में वफाकी हुकूमत ने बहरीन के बादशाह शेख हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा और उनके ख़ानदान के दीगर 5 अफराद को बैनुल अक्वामी सतह पर महफूज नायाब परिंदे तलौर के शिकार के खसूसी इजाज़तनामे जारी किए थे। इन इजाज़तनामों के जारी होने से कुछ दिन कबल दिसंबर में ही मुतहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान के 11 अफराद तलौर के शिकार के लिए ज़िला चागी पहुँचे थे। माह दिसंबर में ही वफाकी हुकूमत ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और उनके अहल खाना के 14 अफराद को 2020-21 के शिकार के मौसम में बैनुल अक्वामी सतह पर महफूज परिंदे तलौर का शिकार करने के लिए खसूसी इजाज़तनामा जारी किया था। इससे कबल वफाकी हुकूमत ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुक्मरान ख़ानदान के दीगर 2 अफराद को साल 2020-21 के शिकार सीज़न में तलौर के शिकार का इजाज़तनामा जारी किया था। वाज़े रहे कि वस्ती एशियाई खित्ते में रहने वाले तलौर हर साल सर्दियों में अपने आबाई इलाकों में सख्त मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं और मौसम सरमा के बाद वह अपने खित्ते में वापस चले जाते हैं। अरब शिकारियों की जानिब से तलौर के शिकार के बायस दुनिया में इस नायाब परिंदे तलौर की तादाद में कमी आई है, जिसे न सिर्फ आलमी तहफ़ के मुख्तलिफ कन्वेंशनस के तहत तहफ़ हासिल है, बल्कि मकामी वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कवानीन के तहत इसके शिकार पर पाबंदी आयद है। यहाँ ये बात मद्देनज़र रहे कि पाकिस्तानी शहरियों को तलौर के शिकार की इजाज़त नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुतहिदा अरब अमारात, कम सिन बच्ची पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में खातून पर 70,000 दिरहम जुर्माना आयद। अब इस खबर की तफसील। मुतहिदा अरब अमारात की अल ऐन रियासत में एक खातून को एक बच्ची के बाप को 70,000 दिरहम हर्जाना अदा करना होगा। खातून पर इल्ज़ाम है कि इसने बच्ची को शीशे की बोतल मारकर जख्मी कर दिया था। बोतल बच्ची की आंख पर लगी, जिससे इसकी नज़र 10% चली गई थी। पुलिस की तहकीकात से पता चला है कि मुतासरा बच्ची रिहायशी कंपाउंड में खेल रही थी, जब एक खातून गुस्से में इस पर चिल्लाई और फिर इसे शीशे की एक बोतल दे मारी, जो बच्ची की बाएं आंख पर लगी। मदा अलह और मुतासरा बच्ची की फैमिली एक ही कंपाउंड में रहते हैं। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि बच्ची को बोतल लगने से मुस्तकिल माजूरी का सामना करना पड़ा है और इसकी नज़र भी 10% तक कमज़ोर हो गई है। अल ऐन की क्रिमिनल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मद्दा अलह खातून को मुजरिम करार देते हुए इस पर 20,000 दिरहम जुर्माना आयद किया, लेकिन लड़की के बाप ने खातून के खिलाफ सिविल अदालत से रुजू किया और अपनी बच्ची को पहुंचने वाले जिस्मानी और इखलाकी नुकसान की भरपाई के एवज 3,00,000 दिरहम हर्जाने का दावा दायर किया था।
बाप ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तशद्दुद ने इसकी बेटी को मुतासर किया है और उन्होंने इसके इलाज के लिए कसीर रकम खर्च की है। इस वाक़े से ना सिर्फ बच्ची मुतासर हुई है बल्कि पूरे ख़ानदान को धचका लगा है, जिस पर सिविल कोर्ट ने खातून को कसूरवार करार देते हुए इसे 50,000 दिरहम मुतासरा बच्ची के वालिद को अदा करने का हुक्म दिया। लेकिन मुतासरा बच्ची के बाप ने फैसले के खिलाफ नज़र दरख्वास्त दायर की, जिस पर नज़रसानी अदालत ने मुआवजे की रकम बढ़ाकर 70,000 दिरहम कर दी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुतहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेज और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुतहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 2,252 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 2,08,366 हो गई है। वजारत सेहत ने 2,404 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 2,32,982 हो गई है। वजारत सेहत ने 3 मरीजों की फौतकी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 711 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 23,905 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तआवुन करें और तमाम एहतियाती इकदामात बिलखसूस माशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।